स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। सर्टेन सब सुन रहे हैं, निश्चितता, अनसर्टेन अनिश्चितता। तो प्रोबेबिलिटी है क्या चीज? प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का ये एक उदाहरण हो सकता है। आज बारिश हो सकता है आज बारिश ना, संभावनाएं रखे गए। अब इसमें कुछ श्योर इवेंट होते हैं और कुछ इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं। कुछ इवेंट जीरो भी हो सकते हैं, कुछ मोर देन जीरो हो सकते हैं, कुछ वन हो सकते हैं, लेस देन वन हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए इनके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, टोटल संभावनाएं कितनी है। यहां पर मैं जब डेफिनेशन के पश्चात एक फार्मूला, फिर एक और फार्मूला, उसके पश्चात कोई इवेंट लेकर के प्रोबेबिलिटी को मैं पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। एनपीई इशूज इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कोई भी घटने की संभावना, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कोई भी घटना में कुल घटित होने की संभावनाएं कितनी है, उससे हमने किसी से डिवाइड करते हैं घटना को, तो आपके आउटकम्स जो होंगे उस आधार पर निर्णय होगा कि वह प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब एक होता है प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई, सम ऑफ पी ई प्लस पी नॉट इज इक्वल टू वन। प्रोबेबिलिटी के होने की संभावना और नहीं होने की संभावना दोनों को ऐड करेंगे तो आपका एक श्योर इवेंट मिलता है वन। जीरो आपका इम्पॉसिबल इवेंट में आता है और श्योर इवेंट में वन आता है। हम एक सिक्के का उदाहरण लेते हैं, क्वाइन। सपोज मैंने क्वाइन को टॉस किया, क्वाइन के दो फेसेस हैं, एक के ऊपर हेड है, एक के ऊपर टेल है। तो डेफिनेटली व्हेन आई टॉस अ क्वाइन, इधर इट कम हेड और टेल, एक ही आएगा। तो हेड और टेल दो पॉसिबल आउटकम्स हैं एक क्वाइन में, दो पॉसिबल सिक्के के, एक हेड है और एक टेल है। तो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं और दोनों में से एक ही आएगा, दोनों तो आ नहीं सकता। चित आएगा या पट आएगा, मतलब हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैं एक इसको लेता हूं, जैसे ये आपका एक क्वाइंस मैंने टॉस किया, ये अब ट्वाइस हुआ, इसमें दो आउटकम्स हैं, एक तो हेड है और दूसरा टेल है। अब हमने आउटकम्स लिया, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। राम कहता है कि आप जब टॉस करेंगे तो हेड आएगा। यहां है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, फेवरेबल टू ई। राम ने कहा हेड आएगा। अब हेड है कितने इसमें? एक। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टू। तो राम के जीतने के चांसेस क्या है? हाफ, वन बाई टू। और हारने के भी उतने चांसेस हैं, हेड आया तो जीत जाएगा, टेल आया तो हार जाएगा। ये यदि तो डिफरेंट क्वाइंस हम टॉस करते हैं, दो डिफरेंट क्वाइन में किस प्रकार से होगा उसको देखते हैं। एक हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है पहला क्वाइंस हेड हो दूसरा क्वाइंस टेल हो, ये भी हो सकता है कि दूसरा क्वाइन हेड हो और पहला क्वाइन टेल हो। टू डिफरेंट क्वाइन टॉस्ट हो, इसके चार पॉसिबल आउटकम्स हैं। सिक्का उछाला गया तो अलग, हो सकता है दोनों हेड हो जाए, हो सकता है दोनों टेल हो जाए, हो सकता है एक में हेड आए एक में टेल आए, ये भी हो सकता है कि दूसरा हेड फिर टेल और हेड हो जाए। चार पॉसिबल आउटकम्स हैं। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं?
फोर। अब जैसे किसी राम ने कहा सर आप जो उछा रहे हैं सिक्के उसमें दोनों हेड आएगा, तो अब देखिए दो हेड कहां पर है, कहां पर है ये, कितने चांसेस है, ओनली वन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम्स वन, टू नंबर ऑफ आउटकम्स फोर। ये पीई पहली घटना इवन। ठीक, इसी प्रकार से लेते हैं, कोई कहता है सर एटलीस्ट वन हेयर आएगा, एटलीस्ट वन हेयर आएगा, तो पीई टू देखते हैं क्या होता है, पीई टू में एटलीस्ट वन हेयर आएगा सर। ये हमारे पास चार आउटकम्स हैं, श्याम ने कहा एटलीस्ट वन हेयर आएगा, तो एटलीस्ट वन हेयर में ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल हो जाएगा और ये भी शामिल हो जाएगा, एटलीस्ट वन हेड कम से कम, ये आएगा तब भी वो जीतेगा, ये आएगा तब भी जीतेगा, ये आएगा तब भी जीतेगा, उसके जीतने के चांसेस हो जाएंगे थ्री लाइफ। तो इस प्रकार से सिक्के को उछाला जाता है, उसके आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, ये हुआ, ये तो हुआ किसका उदाहरण, एक सिक्का का। अब डाइस को मैं ले रहा हूं, ठीक है, खेलते हैं लूडो के पास में आप देखते होंगे कि इस प्रकार से वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सिक्स होते हैं। मैंने इसको थ्रो किया, ऐसा थ्रो किया डाइस को, तो हमारे यदि इवेंट निकालना है तो मैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं सिक्स। अब मीना नाम की लड़की आती है और कहते हैं कि सर व्हेन यू विल थ्रो डाइस इवन नंबर विल कम, क्या कहा मीना ने, इवन नंबर आएगा। तो मीना के अनुसार पॉसिबल आउटकम्स इवन नंबर आएगा, बोल रही मीना, टू फोर सिक्स, तीन चांसेस, तो थ्री बाय सिक्स, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा वन बाय टू। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कम बिटवीन जीरो एंड वन, प्रोबेबिलिटी मे नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी एक से ऊपर नहीं होता, शून्य से छोटा नहीं होता। ठीक है, ये आपका विभिन्न प्रकार के डाइस हो गए। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, जैसे एक मैंने थ्रो किया तो कोई कहता है सर प्राइम नंबर आएगा, अब राम ने कहा प्राइम नंबर आएगा, ठीक है, राम क्या कहता है, एक दूसरा इवेंट लेते हैं पी ई टू सिंबल ई टू सो सेकेंड इवेंट, राम कहता है सर प्राइम नंबर आएगा, तो पॉसिबल आउटकम्स देखिए, विच वन इज प्राइम, टू इज प्राइम नंबर, थ्री इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड फाइव इज प्राइम नंबर। पॉसिबल आउटकम्स इज थ्री, टोटल आउटकम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इक्वल टू वन बाय टू। ठीक, एक तीसरा इवेंट लेते हैं पीई थ्री, तीसरा इवेंट, उधर से सरोज नाम की लड़की आ गई एंड सरोज से सर व्हेन यू विल थ्रो डाइस इवन नंबर विल कम और ऑड नंबर विल कम, तो इवन नंबर का 246, ऑड नंबर का 135, ये भी आपको 50% की चांस है 1/2। अब वो अलग प्रकार से बोलती है सर व्हेन यू थ्रो डाइस नंबर विल कम मोर देन 5, मोर देन 5 बोल रही है। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं, चलिए पॉसिबल आउटकम्स मोर देन 5, 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम्स मोर देन 5, ओनली 6, 1 पॉसिबल आउटकम इज 1, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/6। इस प्रकार से आपके सिक्के का क्वाइन डाइस या ताश की पत्ते भी आते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि 52 पत्ती जो ताश होते हैं प्लेइंग कार्ड्स उसमें कैसे इवेंट होते हैं, आपको इसमें याद रखना है प्रोबेबिलिटी, इसका मेजर
प्रोबेबिलिटी जो होता है मिलेगा अनसर्टेनिटी। पीई का फार्मूला याद कर लीजिए और पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल वन होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी के बड़े बड़े क्वेश्चंस बन जाएंगे। व्हील के ऊपर आते हैं, चक्का घूम रहा है, एक दस तक के नंबर लिखे हैं, बॉक्स में कुछ पेपर की पर्ची डाल दिए हैं, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल बनेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।